हेलो एंड हाय, यू आर वाचिंग बॉलीवुड हेल्पलाइन एंड दिस इज आयुष तिवारी। इन दिनों एनिमल सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है, दूसरी तरफ सैम बहादुर भी 1 दिसंबर को ही रिलीज हुई है। दोनों फिल्म सेम डेट को रिलीज हुई है, क्लैश भी दोनों का हो रहा है। लेकिन अगर बात करूं एक्टिंग की, वर्सेटाइल चीजों की और कहानी की, तो हाँ, सैम बहादुर एक बहुत ही बेहतरीन कहानी बताई गई है, जिसमें हमने सैम जी के बारे में सुना था। सैम मैनेकशॉ के ऊपर आधारित ये कहानी है। लेकिन अक्सर ऑडियंस को धमाका, एक्शन, एंटरटेनमेंट ऐसा ही कुछ पसंद आता है, तो इस बार एनिमल कहीं ना कहीं अलग एक रिकॉर्ड लेके जा रही है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का। लेकिन अगर बात करो इस फिल्म की, तो इस कैरेक्टर में हमने रश्मि मंदाना यानी कि हमारी गीतांजलि को देखा, जो इस फिल्म के डायरेक्टर है संदीप रेड्डी जी, उनकी पहली चॉइस परिणीति चोपड़ा थी। जी हाँ, उन्होंने उनके साथ ट्रायल शूट भी किया, लेकिन संदीप रेड्डी को जिस तरीके की गीतांजलि चाहिए थी, वो उन्हें परिणीति चोपड़ा के अंदर नजर नहीं आ रही थी। जब बात कर रहा हूं मैं एनिमल की, रश्मिका मंदाना की, जिस तरीके से हमने कैरेक्टर देखा गीतांजलि, वो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। किसी प्रेस शो में स्पॉटेड हुई रश्मिका को अक्सर लोग लीली कहकर जाना जाता था, क्योंकि विजय देवरकोंडा की एक फिल्म थी डियर कॉमरेड, जहां पर हमने लीली को बखूबी 100% और फुल धमाकेदार परफॉर्मेंस देखते हुए देखा था रश्मिका को। तब से उन्हें हर प्रेस शो में लीली कहा जाता था। लेकिन एनिमल के बाद गीतांजलि नाम की एक अलग ही एक्सप्रेस लेके निकल चुकी है रश्मिका मंदाना। इसलिए संदीप रेड्डी जी को लगता है कि परिणीति चोपड़ा जी को हटाकर रश्मिका को लेने का उनका डिसीजन सफल रहा, क्योंकि ऑडियंस को गीतांजलि बहुत ज्यादा पसंद आ रही है।